हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AZEX 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, AZEX 500 टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, AZEX 500 टैबलेट की बात करें तो इसको सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो 71 रुपीज़ में 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, ये जो AZEX 500 टैबलेट जो होती है, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इस टैबलेट को जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, दोस्तों यदि किसी के गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में दिया जाता है, टॉन्सिल में दिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के टॉन्सिल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को न्यूमोनिया की समस्या रहती है तो न्यूमोनिया की समस्या में इसको दिया जाता है। दोस्तों, RTI इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। यदि किसी को रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ दोस्तों यदि किसी को फीवर आ जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी के गले में छाले हो जाते हैं तो छालों की समस्या में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, गले में यदि किसी के सूजन आ जाता है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है टैबलेट। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी के कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कान में सूजन आ जाता है, कान में पस आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को एक सुबह और एक शाम टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इस टैबलेट का आप अननेसेसरी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस टैबलेट को लें। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का अननेसेसरी इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक रहता है। तो दोस्तों, आप इसको अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, पेट में कब्ज हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप इसको AZEX 500 के नाम से किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। आपको नहीं भी मिलती है तो आप किसी अदर ब्रांड की भी खरीद सकते हैं, उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होना चाहिए। दोस्तों, दवाई से छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।